पिछले कई सालों से धस रहे रिस को बचाने की नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम अब स्मार्ट सिटी के तहत रिज के धस रहे हिस्से का निर्माण करेगी। नगर निगम की ओर से इसके लिए 7,44,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है और IIT रुड़की की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आते ही लोक निर्माण विभाग भी अपना कार्य शुरू कर देगा। IIT रुड़की की ओर से सॉइल टेस्टिंग कर ली गई है, लेकिन नगर निगम द्वारा पेमेंट न देने से रिपोर्ट नहीं दी गई है। वहीं नगर निगम की ओर से 11 लाख की पेमेंट जारी कर दी गई है। ऐसे में अब स्टेबलाइजेशन रिपोर्ट आते ही लोक निर्माण विभाग इसके धसे हुए हिस्से का निर्माण कार्य शुरू कर देगा। इसके बारे में जो है नगर निगम भी काफ़ी चिंतित है और सरकार भी बहुत ही चिंतित है। तो हमने जो है इसकी जो मिट्टी है इसको टेस्ट करने के लिए दी थी, जो जिस हमने हायर किया था, तो वो यहाँ से मिट्टी ले गए हैं और उनको हमने जो है कल ही अभी 2-4 दिन पहले ही हमने उनको 11 लाख की पेमेंट कर दी है और बहुत जल्दी वो हमारे को रिपोर्ट दे देंगे। जैसे उनकी रिपोर्ट हमें मिलती है वैसे ही हम जो है PWD विभाग ने इसको बनाना है, तो PWD विभाग को हम 7,44,00,000 रुपये स्मार्ट सिटी से हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है PWD को हम आदेश देंगे कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी करें। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।